प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का आज पहला दिन था। आपको बता दें कि पहले दिन सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े गए। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया था। आपको बता दें कि सदन में सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो चंडीगढ़ से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दे कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का आज पहला दिन था और सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े गए। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी यहां रखा गया था। आपको बता दे कि सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो चंडीगढ़ से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का आज पहला दिन था और सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े गए। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी यहां रखा गया था। आपको बता दें कि सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो चंडीगढ़ से आ रही है।